26 किलोमीटर चल चुका है और लो फ्यूल का अलर्ट भी आ गया। तो अब हम लोग ये डिलीवरी ले चुके हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जिमनी के साथ। ने यहाँ पे पेट्रोल भरा लिया है तो अभी घर लेके जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो अभी स्टॉक टायर पे है गाड़ी और स्टॉक टायर पे भी मतलब अभी हम लोग हाईवे पे हैं यहाँ पे, तो काफी स्मूथ ड्राइव है। और अगर आप आराम से चलाएं तो पेपी तो है इंजन और काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। 5-7 किलोमीटर चलाया हमने, ब्लूटूथ कनेक्ट करते करते थोड़ा 4-5 अटेम्प्ट लगे लेकिन हो गया। आई थिंक एक बार सिंक हो जाए तो उसके बाद में आई थिंक अच्छा ही चलेगा। एकदम उबड़ खाबड़ रास्ता है तो उबड़ खाबड़ रास्ते में भी एकदम अच्छे से ग्लाइड करते हुए जा रही है ये और मजा आ रहा है यार। फर्स्ट डे गाड़ी को चलाते चलाते एकदम मतलब खिलौने जैसी फीलिंग आ रही है और इसको कहीं पे भी डाल दो सोचना नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये गाड़ी मैंने 15,76,000 में खरीदा था और दरअसल बात यह है कि इसका दिसंबर में जब ऑफ़र चल रहा था, ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मैंने इसको बुक किया था ऑफ़र का बेनिफिट लेने के लिए। और इस हालांकि इसकी डिलीवरी मैंने जनवरी एंड में ली थी लेकिन इसका जो बुकिंग था वो मैंने दिसंबर में किया था, इसके वजह से मुझे अच्छा रेट मिला। 15,76,000 का मुझे इसका ऑन रोड प्राइस मिला और ये टॉप वेरियंट है, अल्फ़ा वेरियंट है, पेट्रोल है। 15,76,000 रुपीज़, इसके कंपैरिजन में मैं जब थार से कंपेयर कर रहा था उसका प्राइस मुझे टॉप वेरिएंट का ऑलमोस्ट 20 लाख तक जा रहा था। तो प्राइस के एंगल से ये गाड़ी मेरे लिए एक नो ब्रेनर थी। इनफैक्ट मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि मैंने जिमनी को क्यों चूज़ किया दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में, वो मैं आपको अलग से डिटेल में एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस गाड़ी के लिए एक मेरे बजट के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट रेट मिला। तो ये है हमारी नई जिमनी। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा एक्सटीरियर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पेंट का क्वालिटी है ब्लैक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंसिस्टेंट लगा। और पैनल गैप्स की अगर मैं बात करूँ तो पैनल गैप्स भी मुझे वैसे कंसिस्टेंट लगे, ऐसा मुझे थोड़ा ऐसा वैकी नहीं लगा, आड़ा टेढ़ा तो नहीं लगा मुझे। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश मुझे तो ये अच्छी लग रही है। चलिए अंदर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दरवाज़ा खोलते ही यहाँ पे ऐसा आवाज़ आ जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा आवाज़ है। तो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स काफ़ी रगड़ फिनिशिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल भी कहीं पे भी सॉफ्ट टच नहीं है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी का पूरा फील ही वो ऑफ रोडर टाइप है। स्टीयरिंग वही है जो स्विफ्ट का जो था, ऑलमोस्ट वैसा ही लगा मुझे, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। हो सकता है थोड़ा चौड़ा हो बट ऑलमोस्ट सिमिलर लगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एकदम एनालॉग और इंफोटेनमेंट सिस्टम लेकिन मुझे अच्छा लगा, ऑलमोस्ट 9 इंच का है और काफ़ी बिल्कुल भी लैग वैग इतना मुझे ऐसा दिखा नहीं, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, काफ़ी रिलायबल भी लग रहा है, एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लाइमेट कंट्रोल, एसी वेंट्स, टिपिकल मारुति। और बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश मुझे ठीक ही लगी, मतलब ऐसा कोई मेजर डील ब्रेकर या ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। आई मीन हर एंगल से, इवन सीट का भी जो कम्फर्ट है ये भी मुझे अच्छा लगा काफ़ी, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बाहर से गाड़ी छोटी दिखती है तो अंदर से यू नो क्रैम्प्ड फील कर रहा हो, तो ऐसा तो नहीं लगा, एकदम परफेक्टली बैठा हूँ। थाई सपोर्ट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, मतलब आई थिंक थोड़ा और हो सकता था पर ठीक है, नॉट टू बैड थाई सपोर्ट।
और यहाँ पे मिरर तो नहीं है, हाँ वो मिरर है यहाँ पे, तो ड्राइवर साइड के लिए भी मिरर दे दिए हैं लोगों ने यहाँ पे। सरप्राइजिंग, आई मीन फॉर एन ऑफ रोडर ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। यहाँ पे भी दिया ही होगा अगर ड्राइवर के साइड में दिया तो, हाँ यहाँ पे भी दिया है, नॉट बैड। आई मीन ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब भाई मेरे को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा। और फोर स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का गियर बॉक्स है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट आपको मिल जाता है, पावर विंडो दोनों आगे के मिल जाते हैं, और 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी के एंगल से मुझे ठीक ही लगा। और जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वैसे एनालॉग है लेकिन बीच में डिजिटल आपको मिल जाता है, यहाँ पे रेंज आपको दिख जाता है और रेंज के साथ साथ आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे एवरेज स्पीड हो गया आपका, जो ओवरऑल ड्राइविंग टाइम वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिख जाता है, एवरेज भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो साइड मिरर का जो कंट्रोल है वो कुछ इस तरह है, यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट एडजस्ट कर सकते हैं, हेडलाइट का भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाता है, कुछ डमी बटन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो ARVM तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो आपको काफी अच्छा लगेगा। और इसका जो रूफ का जो ये जो टेक्सचर है बहुत ही स्टैंडर्ड मारुति टेक्सचर है, थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। और सीट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा पॉलिस्टर टाइप टेक्सचर है, थोड़ा लेदरेट टाइप भी हो सकता था, रेक्सिन टाइप भी हो सकता था, बट इन लोगों ने ये वाला चूज किया है। स्विफ्ट में भी ऑलमोस्ट आपको यही वाला टेक्सचर मिल जाता है। दोस्तों मैं इस गाड़ी को लेकर इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने फास्टैग तक चिपकाया नहीं है यहाँ पे ग्लास पे। स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स हैं यहाँ पे, काफी मुझे तो साउंड क्वालिटी ठीक ही लगी, खराब बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ड्राइवर के साइड में यहाँ पे होल्डर आपको नहीं मिलता है, हैंडल नहीं मिलता है आपको यहाँ पे, लेकिन बाकी जगहों पे आपको मिल जाता है। और ये 4x4 का गियर्स हैं, 2 high, 4 high और 4 low, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। ओके, अब हम पीछे आ जाते हैं। तो पीछे इसका जो लेग रूम है, अभी मैंने जो आगे का सीट है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे करके रखा हुआ है, इनफैक्ट मैंने काफ़ी पीछे करके रखा हुआ है, उसके बावजूद काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। ये देखिए इतना गैप भी, अगर मैं एकदम आराम से फैला के भी अगर बैठूं तो भी एकदम कंफर्टेबल यहाँ पे लेग स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ 2 बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे बड़ा बॉटल तो नहीं बट वो 200 ml वाला तो फिट हो ही जाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली 4x4 है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठ के आया है यहाँ पे। पीछे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको विंडो का आप यहाँ पे ऐसे नीचे ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, हैंडल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बॉटल होल्डर वगैरह नहीं दिख रहा है। ऊपर एक लाइट यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है वो। और इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मतलब मैं बोलूँगा कि ऊपर तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। और ये जो है जो सीट्स हैं, बैकरेस्ट भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगा, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में जो पीछे के सीट में सेंसर्स नहीं लगे हुए हैं सीट बेल्ट के, इसलिए क्या होता है अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो ना, ठीक है, तो आवाज़ आने लगता है, अलर्ट आने लगता है। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने अमेज़ॉन से ये ख़रीदा है क्लिप्स, जो आप पीछे के सीट बेल्ट पे आप लगा सकते हैं, इससे अलर्ट नहीं आएगा आपको, मतलब सीट बेल्ट का अलर्ट आपको नहीं आएगा इससे। तो ये 2 मैंने खरीदे हैं अमेज़ॉन से, लगभग कुछ 200-300 रुपए का आपको मिल जाएगा ये। चलिए अब हम बूट एक्सप्लोर करते हैं। बूट मुझे इस गाड़ी का काफ़ी सरप्राइजिंगली लार्ज लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी छोटी गाड़ी का बूट स्पेस इतना होगा। तो इसका जो बूट स्पेस है वो इतना है कि भाई 1-2 बड़ी अटैची आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं, तो आपको आराम से इसमें लगेज आपको फिट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको और स्पेस अगर इसमें चाहिए तो आप इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप और ज़्यादा लगेज रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी इसको डाल दिया, ये देखिए
पूरा लगेज रखने का यहाँ पे फुल बंदोबस्त है। चार बड़ी अटैची भी यहाँ पे आराम से फिट हो जाएंगी आपकी। तो अभी चलिए इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, देखिए बंद हो गया। और यहाँ पे भी एक लाइट दे दिया इन लोगों ने, बंद चालू कर सकते हैं आप। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया इन लोगों ने। टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा इसका। तो ओवरऑल मुझे इसका स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक छोटी गाड़ी के हिसाब से मैं बोलूँगा स्पेस मैनेजमेंट टॉप क्लास है इस गाड़ी का। तो गाड़ी के साथ मुझे ये मैट्स मिले हैं, मैं आपको पूरा बताता हूँ मेरा जो हिसाब किताब क्या है। दोस्तों मुझे सबसे पहले इस गाड़ी में दो चेंजेस कराना है। इसका टायर मुझे ऑल टेरेन टायर्स इंस्टॉल करना है। कौन सा साइज का लूँगा, कौन से ब्रांड का लूँगा, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे अगले कुछ वीडियोज़ में। और मैं इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल जो है वो भी मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो क्रोम ग्रिल है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कुछ और सोच के रखा है इसके फ्रंट ग्रिल के बारे में। इनफैक्ट मैं बहुत सारे मॉड्स करूँगा, लेकिन टू स्टार्ट विद दो बड़ी मॉडिफिकेशंस में कराने वाला हूँ। तो मेरे अगले वीडियोज़ में मैं आप लोग को इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी के साथ मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। इसकी हर एक फ़ीचर के ऊपर मैं डिटेल्ड रिव्यूज़ बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप कुछ ही महीनों में जिमनी के बारे में ए टू जेड सब कुछ जान लेंगे, इंक्लूडिंग उसका जो 4x4 फंक्शनैलिटी है उसके बारे में भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ये वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड।